जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है स्किन पॉलिशिंग के हवाले से कि हम अपनी स्किन को कैसे पॉलिश करते हैं, हम अपनी स्किन को कैसे ग्लो अप बना सकते हैं, तो इसी के हवाले से मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी रेमेडी की तरफ से। जी तो हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। हमें सबसे पहले चाहिए कटोरी, स्पून, हमें चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, हमें इसके चाहिए टू टी स्पून। आप अपने फेस के हिसाब से इस पैक को बना सकते हैं। आपको अगर आप इसको हाथ पे भी लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहें इसको लगा सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको लेंगे। तो मैं अपने फेस के हिसाब से बना रही हूँ, तो मुझे बस ये टू चाहिए, टू टी स्पून। हमें चाहिए हल्दी, हम हल्दी लेंगे बस हाफ टी स्पून। उसके बाद हमें चाहिए हनी, हनी हम लेंगे 2 टेबल स्पून, 1 और 2। उसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर, हम रोज वाटर ऐड करेंगे इसमें 1 रोज वाटर ऐड कर लिया इसमें। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से कि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद बोलेंगे वाह क्या चीज़ बताइए मैंने। जी तो देखिए हमारा पैक बन चुका है, इतने मज़े का पैक बना ये। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्लो इफेक्ट देता है ये। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेसन हमारी स्किन को ब्राइट अप करता है, वाइटन अप करता है, हमारी स्किन पे से जो सन टैन होता है उसको रिमूव करता है। हल्दी तो होती ही कितनी अच्छी हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को यूथफुल बनाती है, टाइट अप करती है और हमारी स्किन पे से जो ग्लो होता है उसको और मज़ीद इन्हेंस करती है। इसमें है रोज़ वाटर हमारी स्किन को पिंकिश ग्लो बनाता है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन पर ग्लो आता है। और जो ऐड करें हनी जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये फुल ऑफ पैक जो है स्क्रबर भी कहला सकते हैं हम इसको, कि बहुत अच्छा ग्लोई स्क्रबर है, पर ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से पॉलिश करता है। अगर हमें कहीं जाना हो अर्जेंटली तो हम इसको यूज़ करके जा सकते हैं, हम इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल बॉडी पर जहाँ जहाँ हमें नीड हो। ये देखें कंटेंसिटी, ये देखें आप, ये देखें ऐसा है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। आपको बस ऐसे ही रखना है, इतनी ही क्वांटिटी में, इतनी ही उस पर, कि इतना ही बस ये टेक्सचर हो इसका, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना हमें। जी तो देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ कि हम इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हैंड्स वॉश कर लेने हैं। एज़ यूजल मैं आपको अपने हैंड पे लगाना दिखाऊंगी लगा के कि आप इसको अपने फेस, आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट हैंड पे लगाना दिखाऊंगी। सही, अपनी रिंग्स उतार लेते हैं, ये देखें मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखें मैं स्पून से लगा रही हूँ, आप ब्रश या फिर अपनी फिंगर को यूज़ करते हुए इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा पैक होता है, बहुत ग्लोई स्किन कर देते हैं हमारी। इसको आप स्क्रबर भी कह सकते हैं, ये इंस्टेंट ग्लो देता है हमारी स्किन के ऊपर, बहुत नेचुरल ग्लो आता है क्योंकि इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप इसको हमेशा कहीं पर भी जाना हो आप लगा सकते हैं। सही है, ये देखिए मैं अपने फिंगर की टिप से लगा रही हूँ, बहुत अच्छा पैक है, बहुत बहुत अच्छा। आप इसको हमेशा ट्राई करेगा, आप इसको वीक में 3 से 4 बार आप ट्राई करेगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त पैक है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, ब्राइट अप करता है, आपकी स्किन पे जो फाइन लाइन हुई हुई होती है उनको दूर करता है, आपकी फ्रैकल को दूर करता है, सन टैन को दूर करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है और ये जो इसमें चीज़ें जितनी भी मिली हुई है ये बहुत अच्छी आपस में मिल के बहुत अच्छा सा पैक बनता है। और ये वाला हिस्सा कट है, ये देखें मैंने इसको ऐसे लगा लिया है। आपको ऐसे ही थोड़ा सा पतला पतला सा रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना,
और आपको जहाँ जहाँ लगाना है आप फुल बॉडी पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप इसको बिफोर बाद भी लगा सकते हैं और फिर बाद भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, हम इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल वेट ड्राई नहीं करना इसको, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा रखना है बस। 10-15 मिनट तक इसको रखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ जी। तो देखिए मुझे 10-15 मिनट हो गए, मैंने इसको फुल ड्राई नहीं करा है, थोड़ा थोड़ा सा गीला है। अब हम इसको ऐसे स्क्रब करेंगे हल्के हल्के हाथों से, हम इसको देखें, हम इसको ऐसे स्क्रब करेंगे जहाँ जहाँ हमने ये पैक लगाया है, जहाँ जहाँ हमने ये मास्क लगाया, हम इसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से जो है स्क्रब करेंगे। देखिए देखिए देखिए, ठीक है। अब मैं आपको ये वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो मैं आ गई हूँ वॉश करके, ये देखिए आप मेरे हैंड, ये देखिए आप देख सकते हैं फर्क, मेरा ये आला हैंड जो है वन यूज से कितना अच्छा हो रहा है, इसमें क्लियर फर्क नज़र आ रहा है, ये वाला ज़्यादा ब्राइट अप हो रहा है और ये वाला थोड़ा लाइट ब्राइट अप हो रहा है। तो आप इसको यूज़ करेगा, आप इसको वीक में फुल टाइम यूज़ करेगा अच्छे रिजल्ट के लिए, अगर आपको चाहिए बहुत अच्छे रिजल्ट, आप इसको अर्जेंटली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैक है, आपकी स्किन को ग्लोई 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 कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।